तो ये देखिए विवाह के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज मंगाए हैं यहाँ पे होटल के अंदर ही। सुनिए मुझे देखिए, हाँ देखिए देख रहे हैं पापा और मम्मा ने ले लिया और मुझे तो थोड़े ही दिए हैं। ये थोड़े हैं आपकी प्लेट में, देखो कितने हैं, दीदी की प्लेट में कितने हैं। दीदी परांठा भी खा रही है। तो आप ये बताओ विवाह फ्रेंच फ्राइज कैसे लग रहे हैं? एक पीस ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा है ना? अच्छा है यार होटल का। रेशमा परांठा कैसा लग रहा है? अच्छा है परांठा भी कह रहे हैं, अच्छा है। मैं छोटा भीम कार्टून देख रही हूँ। हाँ ये देखो छोटा भीम कार्टून, ड्रैगन आग उगलता हुआ और भीम पता नहीं अभी कहाँ आएगा, वो अभी बचाने सबको। वो देखो जग्गू और ढोलक भाग रहे हैं और ये आ गया कालिया। ओह कालिया को आग पड़ गई, कालिया काला हो गया। ओह जग्गू जग्गू अब आ गया पीछे से भीम जग्गू को बचाने। देखा वाह भीम को पड़ा ड्रैगन की धूम का छांटा। वो देखो जी बजरंगबली भी आ गए, तो चलो ये तो बचा ही लेंगे। बाकी भैया देखो क्या मजे ले रही है। तो अब बताते हैं, वैसे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही है तो शायद दाल फ्राई चावल ही खाएंगे, तो बताऊंगा वो भी कैसे हैं यहाँ होटल की। तो भाई हमने होटल से ही ऑर्डर किया था, तो देखिए दाल फ्राई आ गई है, साथ में है राइस, ये ग्रीन सैलेड थोड़ा सा और ये मिक्स रायता। तो एक्चुअली नॉन वेज काफ़ी खाया है हमने दिन भर, अभी आपके सामने पाए खाए थे मैंने थोड़ी देर पहले, तो इसलिए अब मैं सिर्फ ये दाल चावल यही खाऊंगा। तो बताता हूँ कैसा है, वैसे थोड़ी देर पहले फ्रेंच फ्राइज भी खाए थे तो वो अच्छे थे, देखने से तो अच्छी लग रही है दाल। काफ़ी भरा हुआ बाउल राइस का, 80 रुपीस के राइस हैं, तो अच्छे हैं यार, क्वांटिटी तो अच्छी है। तो ये दाल फ्राई है, ये थोड़ा चना दाल और मेरे ख्याल से मसूर की दाल मिक्स लग रही है ना। मिक्स करके हाय गाइस, जैसे अच्छी सिंपल और टेस्टी दाल फ्राई, अच्छा है। तो जैसी चाहिए थी ना बिल्कुल वैसी है, जैसे कुछ सिंपल थोड़ा खाने का मन कर रहा हो जब इतना हैवी हैवी खाने के बाद पूरा दिन भर, तो दाल फ्राई काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इधर होटल का भी खाना अच्छा है, ग्रैंड हिल का, ऐसी बात नहीं है, वेज तो अच्छा है। ये ट्राई किया हमने, फ्रेंच फ्राइज भी अच्छे थे। तो अब मैं ख़त्म कर लेता हूँ ये सारा रायता, बता देता हूँ आपको, दही भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी है, मीठा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो खाना अच्छा है यहाँ का। तो आज के लिए तो बस इतना ही, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाय। तो अब हम उठ चुके हैं, ये देखिए कितना अच्छा व्यू है सुबह का। देखो हम वैसे सुबह थोड़ी ज़्यादा हो गई है, नहीं लग रहा होगा सुबह ही है, 10 बज गए हैं। ये सुन रहे होंगे पंछियों की आवाज़, सुनिए आप कितनी सुंदर और मधुर आवाज़ें हैं। पापा इनकी मोजे से आवाज है ना। अब हम थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के लिए हम ऑर्डर देने लगे हैं अब यहीं पे। तो बहुत अच्छी जगह, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया, चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस देखो विया को मैक्लोडगंज बहुत पसंद आया है और ये दिखाने लगी है अब क्या क्या शॉपिंग की है।
दिखाओ। ये मेरी गॉगल, ये मेरे खिलौने, ये मेरी फिश, ये मेरा यूनिफॉर्म। गॉगल दिखाओ ना सामने। हाँ। ये मेरी गॉगल, ये मेरे खिलौने, लाफिंग बुद्धा हैं ये, है ना, छोटे छोटे वाले। हाँ, लाफिंग बुद्धा, और ये मेरी फिश और यूनिकॉर्न। लाफिंग बुद्धा और लामाज हैं ये। हाँ, कुछ तो भाई हमने ब्रेकफास्ट यहीं से मंगवाया है। ये हमारा है चीज ऑमलेट, साथ में हमने कुछ पराठे मंगवाए हैं, पनीर पराठा, आलू पराठा और ये नहीं। अब हम ये करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, फिर आपको बताते हैं कैसा था ये एक्सपीरियंस। रात को दाल और राइस तो अच्छा ही था। तो ये देखो, ये ढेर सारे परांठे हैं, ढेर सारे परांठे हैं। ये पहले पनीर पराठा ये दही में डिप करके, ठीक है टेस्ट पनीर पराठा का। थोड़ा पनीर थोड़ा कम सॉफ्ट है, बाकी ठीक है। भैया के लिए पनीर पराठा मंगवाया था तो इसीलिए थोड़ा पनीर पनीर कम सॉफ्ट है। भैया आपको पनीर पराठा कैसा लगा? थोड़ा सा गंदा था ना, सॉफ्ट कम है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। दो ना। चाय बाद में देती हूँ, कप मंगवाया ना। और अब मैं ये आलू का परांठा टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो ये हमने चीज ऑमलेट मंगवाया, अच्छा लग रहा है। अच्छा। लेकिन चीज थोड़ा कम डाला है। टेस्ट अच्छा है। मिक्स पराठा टेस्ट कर लेते हैं। मिक्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ आलू प्याज कर दिया आलू की जगह, वो भी टेस्ट अच्छा है। तो ओवरऑल ठीक ही है, बस पनीर पराठा थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। वैसे टेस्ट ठीक है लेकिन पनीर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो चलिए हम अब ये फिनिश करते हैं। तो ब्रेकफास्ट देखिए हमने बालकनी में बैठ के थोड़े नज़ारे के साथ, तो इसका ज़्यादा मज़ा है ना। तो इसको हम फिनिश करेंगे। तो चलिए फिर, तब तक मैं ये फिनिश करता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं।